आज के लेक्चर में हम बेसिक प्लस प्रोफेशनल कुर्ती के बारे में समझेंगे। हमने बेसिक स्टैंड नेक कुर्ती के बारे में समझ लिया है। बेसिक कुर्ती कटिंग में क्लोज नेक और कॉलर नेक आसानी से बना सकते हैं, लेकिन जब डिप नेक बनाना हो तब हमें ज्यादा समस्या आती है कि इसमें किस प्रकार से शोल्डर रखे, आर्म लंबाई कितना रखे, तो ये सब समस्या यहाँ पर हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। जैसे हमने ब्लाउज में बैक पार्ट नंबर 3, बैक पार्ट नंबर 2, बैक पार्ट नंबर 1, आर्मोल टक्स फ्रंट पार्ट, फ्रंट पार्ट नंबर 2, फ्रंट पार्ट नंबर 1, फ्रंट पार्ट नंबर 3 और बैक पार्ट नंबर 4, ये सब के बारे में समझाया है। ठीक वैसे ही आपको आगे या पीछे जिस तरह से डिप नेक बनाना हो वो यहाँ पर समझाया, उस हिसाब से आप बना सकते हैं। बेसिक प्लस प्रोफेशनल कुर्ते यानी उसमें आगे की तरफ पप बनाना होता है। जैसे ब्लाउज में प्रिंसेस कट कटोरी फोर टक्स बनाते हैं तो आगे की तरफ पप बनता है, पीछे की तरफ फ्लैट रहता है। ठीक वैसे ही इस प्रकार की कुर्ती में आगे की तरफ पप बनेगा, जैसे कि आर्मोल टक्स या साइड टक्स या फिर शोल्डर से एपेक्स पॉइंट तक टक्स बनाना होता है। और जिसमें आगे की तरफ पप बनाना हो उसमें बॉडी मेजरमेंट में लूजिंग कम करना होता है। जैसे कि यहाँ अपर चेस्ट में 2 इंच लूजिंग लगाया है, तो यहाँ पर हम जो बेसिक प्लस प्रोफेशनल कुर्ती बनाएंगे उसमें अपर चेस्ट में सिर्फ 1 इंच लूजिंग लगाएंगे। यहाँ पर मेन चेस्ट में 1.5 इंच लूजिंग लगाया है तो इसमें 0 लूजिंग बनाएंगे, या तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा आधा इंच तक लूजिंग लगाना होता है। बाकी कमर राउंड में यहाँ पर 3 इंच लूजिंग लगाया है, यहाँ पर भी 3 है। कट राउंड और हिप में दोनों में सेम है। बाकी आर्मोल लंबाई है वो अपर चेस्ट में आप जितना लूजिंग लगाते हो उसके अनुसार बनाना होता है। इसमें 2 इंच लूजिंग लगाया है तो उसके अनुसार आर्मोल लंबाई बना है, और इसमें लूजिंग 1 ही इंच लगाया है तो आर्मोल लंबाई भी उसके अनुसार बनाना होता है। तो यहाँ पर हम जो कटिंग बताएंगे उसके पहले आपको बेसिक स्टैंड नेक कुर्ती और बेसिक प्लस प्रोफेशनल ब्लाउज का पूरा कोर्स ये सब आपको आना जरूरी है। यहाँ पर कुर्ती की लंबाई 35 इंच है, तो यहाँ पर हमें नीचे से शुरू करना है। सबसे पहले सीधा मार्किंग करना है, फिर यहाँ पर 1 इंच मोड़ने का मार्किंग करना है। अब कुर्ती का लंबाई 35 इंच यहाँ पर रखना है। यहाँ पर कट लेंथ 21 इंच है, वेस्ट लेंथ 14 इंच है, कट डाउन 38.50 बॉडी मेजरमेंट है, उसमें 1.5 इंच लूजिंग लगाने पर 40 इंच है, 40 का चौथा भाग 10 इंच पर मार्क करना है और मार्जिन का मार्क अलग से करना है। वेस्ट डाउन बॉडी मेजरमेंट 31 इंच है, 3 इंच लूजिंग लगाया है तो 34 इंच रेडी आएगा, उसका डिवाइड 4 करने पर 8.5 इंच रेडी आएगा और 1.25 इंच मार्जिन हमें अलग से करना है। हमें यहाँ पर स्ट्रेट गेयर बनाना हो तो कट राउंड का जितना नाप है उतना ही नाप यहाँ पर रखना होता है। आप अपने हिसाब से गेयर ज़्यादा बनाना हो बना सकते हैं। वेस्ट राउंड पर ये आर्म कवर स्केल से यहाँ पर गोलाई वाला मार्क करना है और कट राउंड की तरफ यहाँ 0.25 इंच ऊपर की तरफ इस तरह से मार्क करना है। अब यहाँ पर स्ट्रेट गेयर का सीधा शेप बना दीजिए। यहाँ गोलाई की तरफ दोनों तरफ आधा आधा इंच का मार्क करें। अब यहाँ 14 इंच पर वेस्ट लेंथ है, अब जहाँ मेजर टेप पूरी हुई है वहाँ पर मार्क करना है और उसके ऊपर 0.75 इंच का एक एक्स्ट्रा मार्क करना है। जब भी कट लंबाई और वेस्ट लेंथ का मार्क करें तो उसी टाइम पे यहाँ पर मेजर टेप में ऊपर की तरफ एक मार्क करना है और 0.75 इंच एक्स्ट्रा मार्क उसी टाइम पे कर देना है। ये सब हमने ये बेसिक स्टैंड नेक कुर्ती में नंबर के साथ स्टेप बाय स्टेप समझाया हुआ है, ठीक वैसे ही आपको मार्क करना है। यहाँ पर एक सीधा मार्क कर दीजिए। अब शोल्डर का मेजरमेंट 15 इंच है, उसका डिवाइड 2 यानी फोल्ड पार्ट में 7.5 इंच रेडी बनेगा। 0.251 पॉइंट स्लीव का मार्जिन का मार्क करना है, इसलिए यहाँ पर टोटल 7.75 एंड 1 पॉइंट कटिंग का मार्क बनेगा।
अब यहाँ पर सीधा मार्क कर दीजिए। अब सोलर स्लोप का मार्क करना है 1 एंड 1 पॉइंट, जहाँ पर 7.5 इंच रेडी है वहीं पर सोलर स्लोप का मार्क करें। अब यहाँ नेक ब्रॉडनेस का मार्क करना है। नेक ब्रॉडनेस के लिए बॉडी मेजर अपर चेस्ट का 12 भाग करना होता है। 35 / 12 इसका आंसर है 2.91, यानी 2.75 एंड 1 पॉइंट। अब हमें यहाँ पर आर्मर लंबाई का मार्क करना है। अपर चेस्ट में हमने 1 इंच लोजिंग लगाया है तो 36 इंच रेडी बनेगा, और जो रेडी बनेगा उसका डिवाइड 6 करना है, जो आंसर आएगा उसमें प्लस 0.75 इंच करना है। तो यहाँ पर 6.75 इंच आर्मर लंबाई का माप बन रहा है। जहाँ से शोल्डर कटिंग करना है वहाँ बाहर की तरफ हमने मेजर टेप रखा है, वैसे आपको मेजर टेप रखते हुए आर्मर लंबाई का मार्क करना है। अब यहाँ पर एक सीधा मार्क करें। अब यहाँ पर अपर चेस्ट का 4th भाग का मार्क करना है। बॉडी मेजरमेंट अपर चेस्ट 35 इंच में 1 इंच लूजिंग लगाया है, 36 इंच रेडी बना है, उसका डिवाइड 4 करने पर 9 इंच रेडी बनेगा, और 1.25 इंच मार्जिन का मार्क हमें अलग से करना है। अब हमें स्केल का ये गोले वाला शेप से यहाँ मार्क करना है, जो 1/2 इंच ऊपर मार्क किया है वहाँ से यहाँ मिलाना है। अब यहाँ पर सोलर सिलाई का मार्क करना है। 1/2 इंच का सोलर सिलाई का दबाव लेना है। अब यहाँ पर सोलर का सिलाई से फ्रंट और बैक एक्रॉस मेजरमेंट का नाप करना है। 4.5 इंच पर यहाँ पहले एक सीधा मार्क कर दीजिए। बेजिक स्टेन नेक कुर्ती में हमने यहाँ पर एक्रॉस मेजरमेंट का नाप नहीं लिया था, उसकी जगह यहाँ पर शोल्डर का सीधा मार्क से हमने 1.5 इंच अंदर की तरफ मार्क किया था। अगर आपके पास एक्रॉस मेजरमेंट का नाप है तो हमें उसके अनुसार ही यहाँ पर आर्म राउंड का माप करना होता है। यहाँ पर फ्रंट एक्रॉस मेजरमेंट का नाप 0.75 इंच है। अब हमें यहाँ पर 0.25 एंड 1 पॉइंट मार्जिन का मार्क अलग से करना है। अब आर्म कर्व स्केल से यहाँ पर ये राउंड का मार्क करना है। अब यहाँ पर यह शोल्डर की सिलाई से ये आर्मर कर्व स्केल को ऐसे रखना है, और यहाँ पर इस तरह ये राउंड मार्क करना है। अब यहाँ पर बैक एक्रॉस मेजरमेंट का माप करना है। बैक एक्रॉस मेजरमेंट 14.75 इंच है, इसका 1/2 7.25 एंड 1 पॉइंट बनेगा, तो ये यहाँ पर रेडी मार्क करना है। उसके बाद 0.25 एंड 1 पॉइंट मार्जिन का मार्क अलग से करना है। अब आर्म कर्व स्केल का ये गोले वाला शेप से यहाँ पर मार्क करना है। शोल्डर की सिलाई के साथ इस तरह से गोले वाला शेप का मार्क करें। अब इसके बाद हमें यहाँ पर ये फ्रंट आर्म राउंड का ये जो कटिंग मार्क है वो फॉर्मूला चार्ट राउंड के अनुसार हमें इसको चेक करना है। तो ये फॉर्मूला चार्ट राउंड के अनुसार अपर चेस्ट राउंड का 4th भाग किया हो वही माप से देखना है। यहाँ पर हमारा अपर चेस्ट का नाप 36 इंच रेडी है, तो 36 इंच के बाजू में 8 इंच फ्रंट आर्मर राउंड का नाप होना चाहिए। शोल्डर का सिलाई से अपर चेस्ट का सिलाई तक ये नाप चेक करना है। यहाँ पर 8 इंच ये नाप आ गया है। अब इसके बाद हमें बॉडी आर्मर राउंड का नाप चेक करना होता है। वैसे हमने यहाँ पर अपर चेस्ट में 1 इंच लूजिंग लगाया है, तो हो सकता है बॉडी आर्मर राउंड भी थोड़ा बढ़ जाए, लेकिन यहाँ पर हमें यह नाप इसलिए भी चेक करना होता है कि जो बॉडी आर्मर राउंड का नाप है उससे यहाँ का नाप कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम 0.25 एंड 1 पॉइंट मार्जिन का नाप लेंगे। क्लोज नेक बनाना हो या कॉलर नेक बनाना हो, और जिसमें बैक पार्ट में खुला गला नहीं हो, पैक गला हो, तो उसमें हम अपर चेस्ट में 1 इंच लूजिंग लगाते हैं तो बॉडी आर्मर राउंड का नाप 1/2 इंच बढ़ रहा है तो चलेगा, 1 इंच बढ़ रहा है तो भी चलेगा। लेकिन अपर चेस्ट लाइन से नीचे डिप नेक बनाना हो, मेन चेस्ट लाइन से नीचे डिप नेक बनाना हो, तो अपर चेस्ट राउंड में आप 1/2 इंच तक लूजिंग लगा सकते हैं, या फिर बिना लूजिंग का भी बनाना पड़ता है।
अब यहाँ पर हमें यह भी ध्यान रखना है कि अपर चेस्ट लाइन से नीचे और मेन चेस्ट लाइन तक डिप नेक बनाना हो तो बॉडी आर्मर राउंड का जो नाप आया है वही होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 16 इंच है तो 16 ही होना चाहिए, और मेन चेस्ट लाइन से नीचे डिप नेक बनाना है तो 16 की जगह आधा इंच कम यानी 15.5 आए तो भी चल सकता है। तो इस तरह यहाँ पर भी सेम ब्लाउज़ की तरह ही प्रोसेस होता है। शोल्डर का सिलाई से नापना शुरू करना है। यहाँ पर 7.25 इंच नाप आया है। अब 7.25 इंच को यहाँ शोल्डर की सिलाई पर रखें। यहाँ पर 16.5 इंच नाप आया है। हमारा बॉडी मेजरमेंट बॉडी आर्मर राउंड 16 इंच था, लेकिन यहाँ पर आधा इंच लूज आया है क्योंकि यहाँ पर हमने अपर चेस्ट में लूजिंग ऐड किया है, तो इतना लूजिंग नाप यहाँ पर आएगा ही। अब हमें यहाँ पर एपेक्स गैप और एपेक्स पॉइंट का मार्क करना है। एपेक्स का डिस्टेंस बॉडी मेजरमेंट मेन चेस्ट का डिवाइड 10 करने पर 3.65 यानी 3.5 इंच और 1 नाप आया है। अगर आपने बॉडी मेजरमेंट लेते वक्त एपेक्स गैप का नाप लिया है तो उसी के अनुसार यहाँ पर मार्क करना है। अगर आपने एपेक्स गैप का नाप नहीं लिया है तभी यहाँ पर हमने जो मेथड समझाया वैसे आपको मार्क करना है। और एपेक्स पॉइंट का नाप 10.25 इंच है, ये भी आपको बॉडी मेजरमेंट लेते वक्त नाप लेना जरूरी है। यहाँ पर 3.5 इंच और 1 एपेक्स गैप का पहले मार्क करना है। अब यहाँ पर शोल्डर का सिलाई से एपेक्स लंबाई का नाप 10.25 इंच पर मार्क करें। अब यहाँ पर हमें एक सीधा मार्क कर देना है। ध्यान रहे यहाँ पर हमने एपेक्स पॉइंट का नाप लास्ट में किया है। बेजिक स्टैंड नेक कुर्ती में एपेक्स पॉइंट का नाप और उसका गैप का नाप पहले किया था, और उसके बाद यहाँ पर हमने साइड का गोलाई का शेप का मार्क किया था, लेकिन यहाँ पर हमने पहले से अपर चेस्ट से कमर पर मार्क कर दिया है, और उसके बाद हमने यहाँ पर एपेक्स गैप और एपेक्स पॉइंट का मार्क करके ये सीधा मार्क किया हुआ है। क्योंकि यहाँ पर स्केल का गोलाई वाला शेप का मार्क किया है इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा ही गोलाई शेप बनेगा, और वैसे यहाँ पर ये जो सीधा माप आ रहा है उससे 0.25 इंच तक की गोलाई का नाप यहाँ पर हम बना सकते हैं। उससे ज़्यादा गोलाई वाला शेप ये बेसिक प्लस प्रोफेशनल कुर्ती में नहीं लेना है। अब हमें यहाँ पर बैक टक्स का मार्क करना है। ध्यान रहे बेसिक स्टैंड नेक कुर्ती में बॉडी मेजरमेंट वेस्ट राउंड का 8 भाग करके मार्क किया था, लेकिन यहाँ पर ब्लाउज की तरह बॉडी मेजरमेंट मेन चेस्ट का 8 भाग करके मार्क करना है। बॉडी मेजरमेंट मेन चेस्ट 36.5 इंच है, उसका 8 भाग करना है तो 4.56 इसका आंसर आएगा, यानी 4.5 इंच और 1 बैक टक्स का अंतर का नाप लेना है। यहाँ पर हमें बैक टक्स की लंबाई नीचे की तरफ जहाँ पर कट राउंड पहनना हो वहाँ तक लेना है। अगर आपको हिप लंबाई तक कट बनाना है तो बैक टक्स का लंबाई भी वहीं तक ले जाना है। अगर आप कट ऊपर से बनाना चाहते हैं तो भी कट लंबाई का जो ओरिजिनल मेजरमेंट है वहीं तक हमें बैक टक्स का नीचे का लंबाई का मार्क करना होता है। जब हम वेस्ट राउंड में 3 लूजिंग लगाते हैं तब हमें यहाँ पर 0.5 का टक्स बनाना होता है। अगर आपको यहाँ पर 0.75 इंच का चौड़ाई का टक्स बनाना है तो वेस्ट राउंड में 3.5 लूजिंग लगाना है। अगर आपको वेस्ट राउंड में ज़्यादा फिटिंग चाहिए तो यहाँ पर वेस्ट राउंड का लूजिंग आप कम कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 3 लूजिंग लगाया है उसकी जगह आप 2 लूजिंग से भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक रेगुलरली कुर्ती कटिंग समझ रहे हैं तो यहाँ पर हमें वेस्ट राउंड में सिर्फ 3 ही लूजिंग लगाना है। अब यहाँ पर बैक टक्स का या ऊपर का लंबाई फ्रंट पार्ट का एपेक्स पॉइंट से 1 ऊपर की तरफ बनाना है। तो इस तरह यहाँ पर बैक टक्स की लंबाई का और बैक टक्स का अंतर का माप बनाना है। अब हमें यहाँ पर शोल्डर 0.5 इंच बढ़ाना है,
और जैसे बैक पार्ट में आधा इंच शोल्डर बढ़ाएंगे तो फ्रंट पार्ट में आधा इंच शोल्डर माइनस करना होगा। तो इस तरह यहाँ पर बैक पार्ट का ये मार्किंग पूरा हो जाता है। अब हमें इसको कटिंग कर लेना है। इस तरह यहाँ पर बैक पार्ट का कटिंग हो जाएगा। अब यहाँ पर ट्रेसिंग व्हील से आपको बैक पार्ट के टक्स का मार्क उठा लेना है ताकि पीछे की तरफ भी सेम मार्क हो सके। और साइड सिलाई का मार्क के ऊपर भी आपको ट्रेसिंग व्हील से मार्क कर देना है। इस तरह से मार्क करने पर दूसरी तरफ भी एक ही जैसा मार्किंग हो सके। अब हमें फ्रंट पार्ट में उबार बनाना है तो उसके लिए हमें ब्लाउज की तरह ही फ्रंट पार्ट के लिए पेपर में प्रोसेस करना होगा। इस तरह आप एक पेपर लीजिए और जैसे हमने ब्लाउज में प्रोसेस समझाया ठीक वैसे ही यहाँ पर बैक पार्ट रखना है और पहले नेक बोर्डनेस पर मार्क करें, फिर यहाँ पर मेन शोल्डर लाइन का मार्क करें और यहाँ पर आधा इंच हमें फ्रंट पार्ट में रिमूव करना है उसका मार्क करना है। ये अपर चेस्ट का चौथा भाग का मार्क करना है। अब ट्रेसिंग व्हील से फ्रंट आर्मर राउंड का मार्क करना है। अब यहाँ पर एपेक्स पॉइंट का मार्क करें और यहाँ पर एक्रॉस लेंथ का मार्क करना है और ये अपर चेस्ट का माप, ये नेक ब्रॉडनेस, ये शोल्डर का ओरिजिनल मेजरमेंट, उसके बाद आधा इंच फ्रंट पार्ट में यहाँ पर माइनस करना है उसका मार्क, ये क्रॉस लंबाई। अब यहाँ पर ट्रेसिंग व्हील से जो मार्क किया है वो फ्रंट आर्म राउंड का मार्क करना है और ये एपेक्स पॉइंट का माप। अभी हमें यहाँ पर वेस्ट लेंथ का मार्क नहीं करना है। तो इस तरह यहाँ पर बेसिक मार्किंग हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर फ्रंट पार्ट का जितना डिप नेक बनाना हो उसके अनुसार हमें यहाँ पर मार्किंग करना होता है। जैसे ब्लाउज में हमने समझाया फ्रंट पार्ट नंबर 2, फ्रंट पार्ट नंबर 3, फ्रंट पार्ट नंबर 1, ठीक वैसे ही यहाँ पर प्रोसेस करना होता है। और जैसे ब्लाउज में आर्मर टक्स कंपलसरी बताया है ठीक वैसे ही हमें ये बेसिक प्लस प्रोफेशनल कुर्ती में भी आर्मर टक्स का प्रोसेस करना ज़रूरी है। अगर आपने ब्लाउज में ये प्रोसेस सीख लिया है तो कुर्ती में ये प्रोसेस करना आपके लिए बहुत ही आसान होगा। आपको तुरंत ही ये कटिंग समझ में आ जाएगा। यहाँ पर फ्रंट पार्ट का नेक 7.5 इंच डीप है तो यहाँ से 0.25 इंच यहाँ नीचे से 7.5 इंच पर ये मार्क करना है, ये कटिंग मार्क है। जब अपर चेस्ट लाइन तक और एक्रॉस मेजरमेंट से नीचे की तरफ डीप नेक बनता है तो हमें फ्रंट पार्ट नंबर 2 के अनुसार प्रोसेस करना होता है। बेसिक प्लस प्रोफेशनल ब्लाउज कोर्स में इसके बारे में डिटेल में समझाया हुआ है। ज़्यादा डिटेल के लिए आपको वही वीडियो में समझना है। यहाँ पर हमें आधा इंच का टक्स लगाना है तो एपेक्स पॉइंट भी आधा इंच हमें नीचे करना है तो ये माप हमें पहले से करना है। अब यहीं पर मेन चेस्ट लाइन का मार्क करना है। अब जैसे यहाँ पर समझाया पहले चोरस कटिंग करना है। इसके लिए आप ये स्केल का उपयोग करें ताकि थोड़ा गोलाई वाला शेप भी बन सके। यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों में डिप बनाएंगे तो शोल्डर का पार्ट आपको कितना रेडी चाहिए वो नक्की करने के बाद यहाँ पर उसके अनुसार मार्क करना होता है। यहाँ पर हम 2.5 इंच शोल्डर का पार्ट रेडी आए उस तरह से मार्क करेंगे, ये कटिंग मार्क है। तो यहाँ से 0.25 1 पॉइंट ये स्लीव का मार्जिन का मार्क गया। अब यहाँ से शोल्डर हमें 2.5 इंच रेडी चाहिए
तो 0.25 इंच मार्जिन का मार्क यहाँ पर अलग से करना है, और इसके अनुसार यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे सीधा मार्क करें। अब एक्रॉस मेजर से 1 इंच ऊपर की तरफ ये मार्क करना है, और यहाँ पर ये लाइन से मिलाते हुए ऐसे सीधा मार्क करें। यहाँ पर हमें आधा इंच का टक्स पैक करना है। जब यहाँ पर आधा इंच का टक्स लगता है तो फ्रंट पार्ट का नेक का नाप भी हमें आधा इंच नीचे की तरफ करना होता है। अब हमें यहाँ पर आर्मर टक्स बनाना है, तो एक्रॉस लाइन से ही हमें एपेक्स पॉइंट की तरफ सीधा मार्क करना है, और आर्मर टक्स के बारे में हमने ब्लाउज कोर्स में स्पेशली समझाया हुआ है, सेम टू सेम वही वीडियो आपको देखना समझना है। यहाँ पर हमें टोटल 0.25 इंच का ये मार्जिन लेना है। इस तरह यहाँ पर आधा इंच का डॉट बनेगा, तो हमें आर्मर लंबाई भी आधा इंच नीचे की तरफ करना होता है। तो इस तरह से आपको आर्मर टक्स और जितना डीप चाहिए उसके अनुसार प्रोसेस कर लेना है। उसके बाद आज हम जो नया सीखेंगे उसके बारे में आप ध्यान से समझें। अब हमें यहाँ पर टोटल मेन चेस्ट राउंड का माप करना है। इसके लिए पहले यहाँ पर बैक पार्ट रखेंगे। यहाँ पर हमें जो रेडी मेन चेस्ट राउंड चाहिए वो 36.5 है। बैक पार्ट में टक्स लगेगा तो मेन चेस्ट की लाइन पर यहाँ पर 1 पॉइंट जितना दबाव जाएगा, इसलिए यहाँ पर 1 पॉइंट का मार्जिन छोड़कर ही मेजर टेप से नापना है। यहाँ पर 0.9 इंच बैक पार्ट में नाप आया है, तो 0.9 इंच यहाँ पर रख देना है। अब यहाँ पर मेन चेस्ट राउंड का टोटल मेजर 36.5 इंच है। 36.5 का आधा 18.25 इंच है, यहाँ पर इतना मार्क कर देना है। तो बैक पार्ट की सिलाई लाइन से ये जो मार्क है वो दोनों में 0.5 इंच में आधा पॉइंट कम इतना नाप आया है, यहाँ पर देखें। अब इसका डबल करें, इस तरह यहाँ पर 1.25 इंच और 1 पॉइंट टोटल मेजर बन रहा है, 1.25 एंड 1 पॉइंट। अब उतना नाप हमें यह आर्मर लंबाई से नीचे की तरफ मार्क कर देना है। अब बैक पार्ट में 0.9 इंच और यहाँ से 0.9 इंच रखकर 1.75 इंच पर मार्क कर देना है। ये सिलाई मार्क है। अब फ्रंट पार्ट से ये बैक पार्ट को यहाँ 1.25 इंच और 1 पॉइंट पर रखते हुए इस तरह से एडजस्ट करें। अब यहाँ पर वेस्ट लेंथ का मार्क कर देना है, और ये वेस्ट राउंड का सिलाई मार्क। यह एक टेम्पररी मार्क बनेगा, क्योंकि आर्मर टक्स लगाएंगे तो यहाँ पर आर्मर लंबाई भी आधा इंच नीचे करना पड़ेगा, इसलिए बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट का साइड पार्ट मिलाना हो तो यहाँ पर हमें वापस आधा इंच नीचे करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर हम सिर्फ टेम्पररी मार्क करेंगे। इसके लिए आप पेंसिल से मार्क कर दीजिए, और कमर का नाप 8.5 इंच है, यहाँ पर 8.5 इंच मार्क कर दीजिए। अब हमें यहाँ एपेक्स पॉइंट से ये मेन चेस्ट का जितना नाप आया है वहाँ पर इसे एडजस्ट करके इसे शेप का मार्क करें, ताकि यहाँ पर जितना नाप है उतना ही यहाँ पर नाप बना रहे। अब हमें यहाँ पर ये आर्मर लंबाई से ये वेस्ट लेंथ तक ये साइड पार्ट का जितना नाप है उतना नाप को नोट कर देना है। इसमें 0.75 और 1 पॉइंट नाप है। अब यहाँ आर्मर लंबाई से यहाँ तक 3.5 और 1 पॉइंट नाप है। अब 3.5 और 1 पॉइंट को यहाँ पर रखना है, और 0.75 और 1 पॉइंट जहाँ पर आया है वहाँ पर ये मार्क कर देना है। इस तरह यहाँ पर क्रॉस टक्स की चौड़ाई का नाप बनेगा। यहाँ पर देखिए अब ये 1.5 इंच और आधा पॉइंट नाप बना है। यहाँ पर हम आर्मर टक्स बनाएंगे तो आधा इंच नीचे से कटिंग होगा,
तो ये साइड पार्ट की लंबाई भी हमें आधा इंच नीचे बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर इसको पहले से बढ़ा दीजिए। ब्लाउज में तो हम जैसे ये आधा इंच कम करना चाहते हैं फ्रंट पार्ट में, तो बैक पार्ट को भी माइनस कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर ये कुर्ते में वापस हम इसको माइनस नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें फ्रंट पार्ट को ही यहाँ पर आधा इंच बढ़ाना पड़ता है। अब यहीं से कटिंग करना है, इस तरह थोड़ा एक्स्ट्रा कटिंग कर लीजिए। अब हमें यहाँ पर ये टक्स को पैक करना है। अभी हमने आर्मर लंबाई नीचे की तरफ कटिंग नहीं किया है, तो उसके पहले यहाँ पर जो पहले वाला जो नाप था वहाँ पर ये साइड पार्ट को ऐसे मिलाना है और यहाँ पर ये मार्क कर देना है। अब पहले हम ये ऊपर वाला प्रोसेस कर लेंगे। अब यहाँ पर आर्मर टक्स पैक करना है। अब हमें यहाँ फ्रंट पार्ट नंबर 2 के अनुसार ये प्रोसेस करना है। यहाँ पर एक्रॉस का माप 0.25 1 जितना कम रख सकते हैं, तो यहाँ पर हम 0.25 इंच इसको अंदर की तरफ कम करेंगे। फ्रंट एक्रॉस मेजर 12.5 इंच रेडी था, तब उसकी जगह हमें 12.5 इंच रेडी करना है, क्योंकि यहाँ एक्रॉस लेंथ से फ्रंट पार्ट का नेक डीप है। तो अब कटिंग यहाँ से होगा। यहाँ पर आधा इंच का टक्स लगा है, तो आर्मर लेंथ भी आधा इंच नीचे डाउन करना पड़ता है। अब हमें ये मार्क तक ये राउंड मिलाना है। जब भी हम यहाँ पर एक्रॉस का मेजर 0.25 इंच अंदर की तरफ करते हैं, तो फ्रंट राउंड का नाप भी उतना ही बढ़ता है, इसलिए यहाँ ऊपर से भी हमें 0.25 इंच कम करना ही पड़ता है। और जैसे हम यहाँ टक्स लगाते हैं तो यहाँ एक पॉइंट ओपन होता है, इसलिए यहाँ पर एक पॉइंट ऊपर की तरफ माइनस करना होता है। ये प्रोसेस हमने स्टेप बाय स्टेप ब्लाउज कोर्स में समझाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप एक साथ इसको समझकर 0.25 1 यहाँ ऊपर से माइनस कर सकते हैं। जैसे यहाँ शोल्डर सिलाई से नापते हुए फ्रंट राउंड का नाप 8 इंच है, तो अब यहाँ से नापते हुए ये 8.25 इंच आया है, इसलिए यहाँ पर 0.25 इंच बढ़ा है और एक पॉइंट यहाँ टक्स का बढ़ेगा, इसलिए पहले से ही यहाँ पर 0.25 1 ये माइनस करना है। अब यहाँ पर ये मैच करके इसी को ही हमें कटिंग करना है। अब हमें यहाँ पर ये क्रॉस टक्स को ऐसे पैक करना है, तो देखिए यहाँ पर फ्रंट पार्ट में ऐसा उभर होता है। अब हमें यहाँ पर ये सिलाई का मार्क को मिलाते हुए ये साइड पार्ट का माप मैच करना है। यहाँ देखिए दोनों का ये नाप यहाँ पर एक जैसा बन गया है। अब यहाँ से ये साइड पार्ट का कटिंग हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मेन चेस्ट की लाइन पर यहाँ ये मिल गया है, थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पर सिर्फ कम हुआ है, लेकिन ये फ्रंट पार्ट का उभार होता है उसके कारण वहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। अब हमें इसको कटिंग करना है। अब हमें यहाँ पर फ्रंट पार्ट का नेक का प्रोसेस करना है। यहाँ पर थोड़ा कट कर दीजिए और यहाँ पर टक्स को पैक करें। यह प्रोसेस करने पर
फ्रंट पार्ट का डिप नेक के अनुसार शोल्डर कितना माइनस होना चाहिए वो अपने आप हो जाता है। अब यहाँ पर इसका शेप अनइवन हो चुका है तो इसको थोड़ा अच्छा सा शेप बना लीजिए। अब यहाँ पर स्केल को इस तरह से रखकर ये सीधा मार्क करें और अब आपको गले का जो भी शेप चाहिए उसके अनुसार मार्क करके कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर हम राउंड नेक बनाएंगे। अब यहाँ पर फ्रंट पार्ट नंबर 2 में जब एक्रॉस लेंथ से नीचे डिप नेक बनाना हो तब यहाँ पर भी गले से एपेक्स पॉइंट की तरफ 0.25 इंच का टक्स लगता है, यानी ये जो सर्कल है वहाँ पर एक पॉइंट का ये मार्जिन हमें पैक करना होता है। सर्कल मेन चेस्ट का डिवाइड 12 करना होता है प्लस 0.25 करना होता है तब वहाँ पर एक सर्कल बनता है। तो 36.5 का डिवाइड 12 करेंगे तो यहाँ पर 3.29 यानी 3.25 एक पॉइंट इस तरह यहाँ पर सर्कल का मार्क करना है। अब गले से ये एपेक्स पॉइंट की तरफ इसे मार्क करें, यहाँ पर एक पॉइंट इसे मार्क करना है। अब हमें यहाँ पर ये टक्स को भी पैक करना है। अब यहाँ पर नेक का कटिंग करना है। अब यहाँ हमारे पास 2 ऑप्शन है, आपको क्रॉस टक्स चाहिए या आर्मोल टक्स चाहिए वो नक्की करना है। आपको जो भी टक्स चाहिए तो किसी और दूसरे टक्स को पैक करना होता है। जैसे यहाँ पर सिर्फ क्रॉस टक्स चाहिए तो यह आर्मोल टक्स को पूरा पैक कर देना होता है और यहाँ पर ये कट करके ओपन हो जाएगा और उसकी विड्थ भी और भी ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर गले की तरफ का टक्स और आर्मोल की तरफ का टक्स पैक हो चुका है। अगर आपको सिर्फ आर्मोल की तरफ एक ही टक्स चाहिए तो यहाँ पर ये क्रॉस टक्स को पैक कर देना होता है और यहाँ से ओपन कर देना होता है। तो हम यहाँ पर आपको दोनों पार्ट समझा देते हैं। जैसे यहाँ पर हमें सिर्फ क्रॉस टक्स चाहिए तो ये पूरा कटिंग कर देना है। इस तरह यहाँ पर फ्रंट पार्ट में क्रॉस टक्स कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमें टोटल मेन चेस्ट राउंड, टोटल अपर चेस्ट राउंड और टोटल कमर राउंड मिलाना होता है, उसके अनुसार यहाँ का वेथ अपने आप बनता है और ये टक्स का वेथ भी अपने बॉडी मेजरमेंट में लगाया हुआ लूजिंग के ऊपर आधार रहता है। अगर हम कमर में और भी ज़्यादा लूजिंग लगाएंगे तो यहाँ का वेथ और भी कम बनेगा। अपर चेस्ट में ज़्यादा लूजिंग लगाएंगे तो भी कम बनेगा। मेन चेस्ट में लूजिंग ज़्यादा ऐड करेंगे तो हो सकता है कि इसका वेथ ज़्यादा बन जाए। अब हमें सिर्फ आर्मोल की तरफ टक्स चाहिए तो ये आर्मोल का टक्स को पूरा कटिंग कर देना है। इस तरह यहाँ पैक कर देंगे तो यहाँ पर सिर्फ एक ही टक्स आर्मोल का टक्स बनेगा। इसका विड्थ 1.5 आए, 1.25 आए, 1 इंच आए, 1.25 आए या 2 इंच आए वो हम डिसाइड नहीं कर सकते, ये अपने आप डिसाइड होता है। अगर आपको दोनों साइड टक्स चाहिए तो इस तरह से यहाँ टक्स बना सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ एक ही तरफ टक्स बनाए तो हम यहाँ पर आर्मोल टक्स बनाएंगे। अब हमें कपड़े में इसका कटिंग करना है वो समझते हैं। सबसे पहले फ्रंट पार्ट का जो कपड़ा है वो आपको रख देना है, उसके ऊपर बैक पार्ट रख दीजिए। अब हमें यहाँ कमर तक इसको कटिंग करना है, यहाँ पर ट्रेसिंग व्हील से मार्क भी कर सकते हैं। अब यहाँ से फिक्स कटिंग करना है। सिर्फ यहीं तक कटिंग करना है। अब बैक पार्ट का उठा लेना है और फ्रंट पार्ट का यह पेपर यहाँ पर रख देना है। इस तरह यहाँ अच्छे से इसको एडजस्ट करें। अगर पेंसिल से मार्क दिख रहा है तो आपको पेंसिल से ही मार्क करना है ताकि एकदम पतला सा और अच्छा मार्किंग हो सके, लेकिन यहाँ वीडियो में आपको पेंसिल का मार्क नहीं दिखेगा इसलिए यहाँ पर हम चौक का मार्क करके समझाते हैं।
यहाँ ट्रेसिंग व्हील से एपेक्स पॉइंट का मार्क कर लीजिए। यहाँ का साइड का पार्ट नापिए 6.75 1 पॉइंट। अब यहाँ से सेंटर का मार्क भी कर लेना है 2.25 1 पॉइंट। अब हमें इस टक्स को आयरन से पैक करके फिर ये आर्म होल का कटिंग करना है। इस तरह टक्स को पैक करने के बाद ही यहाँ पर आर्म होल का कटिंग करें। ट्रेसिंग व्हील से यहाँ पर मार्क करें और पीछे की साइड में ये टक्स को बना लीजिए। इस तरह यहाँ पर फ्रंट पार्ट पफ वाला और डीप नेक कन्वर्ट होता है। अब हम बैक पार्ट में डीप नेक कन्वर्ट करेंगे। बैक पार्ट में डीप नेक बनाना हो तो जैसे हमने ब्लाउज में शोल्डर फोल्डिंग प्रोसेस बताया है, ठीक वैसे ही एक्स्ट्रा कपड़े से ये शोल्डर फोल्डिंग का प्रोसेस करना जरूरी रहता है। अब हम बैक पार्ट में डीप नेक बनाएंगे। बैक पार्ट में हम 10 इंच का नेक बनाएंगे। मेन चेस्ट लाइन के ऊपर डीप नेक है तो यहाँ पर हमें बैक पार्ट नंबर 3 के अनुसार प्रोसेस करना है। यहाँ पर 16.0.501 पॉइंट कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर हम 0.25 इंच भी कटिंग कर सकते हैं। बैक पार्ट में शोल्डर फोल्डिंग प्रोसेस के लिए यहाँ पर कमर तक हमें एक एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग करना है। इस तरह सेम टू सेम कटिंग कर लेना है। यहाँ पर हमें 0.25 इंच माइनस करना है। शोल्डर की तरफ 0.25 इंच माइनस करेंगे तो एक्रॉस की तरफ भी 0.25 इंच माइनस करना है। अब यहाँ पर आर्म कवर स्केल से मार्क करें। जब हमें शोल्डर और एक्रॉस मेजर 0.25 इंच माइनस करना होता है तो ऊपर की तरफ से भी 0.25 इंच माइनस कर ही देना है। इसी के अंदर ही ये 0.5 इंच वाला एक्स्ट्रा आ गया है। तो अब देखिए यहाँ से नापते हुए इसको चेक करते हैं। ये 8 इंच है। अब ये जो कटिंग करेंगे तो वो भी 8 इंच ही होना चाहिए। तो वही नाप यहाँ पर मिलता है, इसलिए वापिस हमें ऊपर 0.5 इंच एक्स्ट्रा करने की प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक इसी तरह ब्लाउज में भी प्रोसेस करना है ताकि आपको बैक पार्ट शोल्डर फोल्डिंग प्रोसेस करने में इजी रहे। पहले इसको कटिंग कर लेना है। अब यहाँ पर हमें शोल्डर 2.5 इंच रेडी चाहिए तो पहले 0.25 1 पॉइंट मार्जिन का मार्क निकालना है और यहीं से जितना शोल्डर रेडी चाहिए उतना ही मार्क करना है। दबाव के लिए अलग से मार्क अभी नहीं करना है। जैसे ब्लाउज में हमने समझाया ठीक वैसे टक्स पॉइंट से 1.5 इंच की दूरी पर गले का ब्रॉडनेस बनाए। यहाँ पर हम राउंड नेक बनाएंगे। यहाँ ऊपर से गला यहाँ एंड हो रहा है तो यहाँ से अंदर की तरफ इतना कटिंग कर लेना है। अब हमें ये बैक टक्स को पैक करना है। इस तरह आयरन या मशीन से सिलाई करके टक्स को पैक कर सकते हैं।
अब ठीक ब्लाउज की तरह यहाँ पर देखना है, यहाँ पर सीधा मिलाना है और यहाँ जितना बाहर निकले उतना निकलना है। यहाँ पर एक पॉइंट जितना बाहर निकल रहा है तो उतना ही यहाँ अंदर की तरफ होता है। इस तरह प्रोसेस होने के बाद यहाँ पर आयरन कर देना है। अब इसको पीछे की तरफ देखें, इतना पार्ट जो बाहर निकला है वो हमें कटिंग करना है। अब सिलाई यहाँ पर होगा और ये हमें एक्स्ट्रा कटिंग करना है, तो इसके लिए यहाँ स्केल से इस प्रकार का शेप करके इसको कटिंग कर लेना है। अब कमर के जितना नाप यहाँ पर करना है, अब ये सिलाई मार्क बनेगा। अब हमें यहाँ से टाई शोल्डर रेडी चाहिए, उसका मार्क करना है। अब ये मार्क को ये गोलाई वाला शेप के साथ यहाँ मैच कर लीजिए। अब इसको कटिंग कर लेना है। अब यहाँ पर 0.25 इंच कटिंग कर लेना है। इस तरह कटिंग करने पर शोल्डर की तरफ अच्छा फिनिशिंग आता है। अब हमें टक्स को ओपन कर देना है और यही लाइन पर पूरा मिला देना है। अब इसी के अंदर ही आधा इंच एक्स्ट्रा पार्ट आ गया है, इसलिए यहाँ ऊपर की तरफ आधा इंच एक्स्ट्रा रखने की आवश्यकता नहीं है, इसका ध्यान रखेगा। अब हमें यहाँ मेन कपड़े में 0.25 इंच मार्जिन का मार्क अलग से कर देना है। अब सिलाई का मार्क यहाँ पर हो गया है। इससे भी ज्यादा डीप नेक बनाना हो मेन चेस्ट लाइन के नीचे, तो आपको बैक पार्ट नंबर 4 के अनुसार इसका शोल्डर फोल्डिंग का प्रोसेस करना है। और अपर चेस्ट लाइन तक या उससे ऊपर डीप नेक बनाना हो जिसमें एक रोस लाइन से नीचे डीप नेक हो, तब बैक पार्ट नंबर 2 के अनुसार डीप नेक शोल्डर फोल्डिंग का प्रोसेस करना है। और एक रोस लाइन तक डीप नेक बनाना हो तब बैक पार्ट नंबर 1 के अनुसार शोल्डर फोल्डिंग का प्रोसेस करें। तो इस तरह यहाँ पर बेसिक प्लस प्रोफेशनल ये फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट ये कुर्ती का कटिंग हो गया है। यहाँ पर अभी आपको ऐसा लग रहा है कि ये फ्रंट पार्ट तो ऊपर से बढ़ गया है, ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ पर टक्स लगेगा तो ये अपनी जगह पर आ जाएगा और जब कस्टमर इसको पहनेंगे तब यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा है वो पॉप बनकर यहाँ तक आ जाएगा। अब हम साथ साथ में इसका स्लीव कटिंग भी समझा देते हैं। यहाँ पर हम 10 इंच स्लीव का लंबाई बनाएंगे। स्लीव का आर्म राउंड 11.5 इंच है। ये कटिंग मार्क है, ये सिलाई का मार्क है। यहाँ से स्लीव का 10 इंच का लंबाई और 1 इंच फोल्ड करने का मार्जिन। स्लीव के हाइट के लिए हमने समझाया वैसे रेडी अपर चेस्ट राउंड का 10वां भाग करना है। 35+1=36 नाप है। 36 का 10वां भाग 3.60 3.5 इंच और 1 पॉइंट स्लीव का कैपेट का नाप बनता है। फ्रंट आर्म राउंड का नाप 8 इंच आया था तो उसमें से 0.25 इंच माइनस करना है। 7.5 इंच पर मार्क करें और 1/4 इंच मार्जिन का मार्क अलग से करें, लेकिन इस तरह से मार्किंग करें तब यहाँ पर 1 पॉइंट ज़्यादा ले। अब आर्म राउंड का नाप 11.5 इंच है। उससे पहले शॉर्ट स्लीव का मेजर 4.5 और मिडल स्लीव का नाप 6.5 इंच है। शॉर्ट स्लीव का आर्म राउंड 12.5 इंच, मिडल स्लीव का आर्म राउंड 12 इंच, जो भी नाप आया हो वो यहाँ पर थोड़ा लूज बनना चाहिए।
स्लीव का आर्म होल कटिंग कैसे करना है उसके लिए यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप समझा चुके हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको बेसिक स्टैंड नेक कुर्ती कटिंग का लेक्चर देखना होगा, उसमें स्लीव के बारे में समझाया है। इस तरह यहाँ आधा मार्क करके 0.75 ऊपर की तरफ मार्क करना है, फिर यहाँ 7.25 का पांचवा भाग करना है, 7.75 डिवाइड 5, 1.55 इंच यानी 1.5 इंच, और 1 पॉइंट यहाँ पर मार्क करना है, और यहीं से आधा इंच अंदर की तरफ मार्क करना है। अब स्लीव शेप स्केल से ये मार्क करना है। बैक आर्मोल का जितना नाप है वहाँ से आधा इंच नीचे की तरफ एक मार्क करके फ्रंट आर्मोल राउंड के लिए ये मार्क कर देना है। सिलाई का मार्क के ऊपर ट्रेसिंग व्हील से मार्क करना है। इस तरह जहाँ पर ट्रेसिंग व्हील का मार्क किया है वहाँ पर चौक से मार्क कर लीजिए ताकि लास्ट में सिलाई करते वक्त आपको आसानी रहे। ये स्लीव के लिए बेसिक कटिंग हो चुका है। अब फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के आर्मल के अनुसार कटिंग करना हो तो ये साइड सिलाई और ये सिलाई को ऐसे मिलाना है और यहाँ पर ऐसे रख देना है, और इसका आधा में इस तरह मार्क करना है। आधा से यहाँ पर 0.25 ऊपर की तरफ ऐसे मार्क करना है। तो ये फ्रंट आर्म राउंड के लिए मार्क हो गया है। अब ठीक वैसे बैक पार्ट का आर्मोल का कटिंग करना है। यहाँ शोल्डर का सिलाई और ये सिलाई को ऐसे मिलाना है और यहाँ पर आधा करना है। अब इसको यहाँ पर सिलाई टू सिलाई मिलाना है और ये मार्क जहाँ पर यह अटैच हो वहाँ तक अटैच करें, और इसका आधा करके यहाँ से 0.25 ऊपर ऐसा रखकर आप इसका शेप बनाएं। इस तरह कटिंग करने पर जब आप स्लीव लगाएंगे तो एकदम आसानी से बैठ जाएगा, और जब कस्टमर पहनेंगे तब भी आर्मोल की तरफ बहुत अच्छा फिनिशिंग आएगा। इस तरह कटिंग करने के बाद अब यहाँ का शेप को हमें अच्छे से गोलाई वाला करना है। इस तरह से स्लीव के लिए स्पेशल कटिंग हो जाता है। अब यहाँ पर इस तरह एक कट लगा दीजिए ताकि ध्यान रहे कि ये आगे वाला पार्ट है। अब देखिए स्लीव का शेप इस तरह, यहाँ पर डिप नेक बैक पार्ट, डिप नेक पफ वाला फ्रंट पार्ट, और ये स्लीव कटिंग। ठीक इसी तरह कस्टमर का बॉडी मेजर के अनुसार आप बना सकते हैं। इसके लिए एक्सप्लेन लेक्चर में हम बारीकी से समझेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। आपके उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।